लो जी सारे ने हैप्पी शिवरात्रि, मतलब इबे तक 12 को बजे हैं, तो 12 बजे ने हैप्पी शिवरात्रि। और दीपक और आ गए, आप सबने दिखाऊं मैं, देखो गंगा जल ले आयो, मेरे पापा ले आए गंगा जल। मतलब पापा नमस्ते, आ गए आप, और आप आ गए, और ये आंख बोल आ गई, आंख लाल हो रही है। और दीपक जी गए हैं मंदिर में, और मेरे पापा जी भी गए हैं मंदिर में, क्योंकि जब तक शिव जी पर जल नहीं चढ़ता नहीं तो घर को नहीं आना होता। ज्यादा बाहर खड़े थे पूरे, मतलब आए थे। और इब मैं आप सब ने मिलूंगी, रेडी शेडी हो गया, मतलब इब तो 11 बजे हैं, तो मम 12 बज गए, मतलब 1 या 2 मिनट में जाऊँगे, क्योंकि ऊँ भी ओडा भीड़ हो पावेगी, तो ज़्यादा थोड़ी सी लेट भी जाएंगे, कोई बात नहीं। और बड़ा जाकर दूध दाल देना हुआ पापा उठता है, और दीपक जी तय, मतलब केले कूले फल फ्रूट जो भी हो है, फिर जल चढ़ा के फिर मम घर आऊँगे, क्योंकि कल ना तो मेरा व्रत है, मतलब शिवरात्रि वाला दिन का, और आज दीपक और का व्रत है, और रोटी खाऊंगी मैं जल चढ़ा कर, मना को नहीं खानी है। बाकी न्यू होता होगा अभी, आपका भी हमारा तो न्यू बताया मेरी माँ ने, कि मैं रेडी शेडी हो आप तय मिलूँ। ओके जी, कोई नहीं भाभी तैयार, कोई नहीं तैयार, सूट तो सोना लग रहा है। हाँ जी, और के पांडी माही और पहले उस तक मैंने पाया को नहीं, नया है, बहुत सोना लग रहा है, उसमें मेकअप करना रह गया। अच्छा, कितना टाइम और लगाओगे तैयार होने में? थोड़ा ही, जल्दी हो लो, तैयार लेट होगा, बस थोड़ी रह गया मेकअप, बस थोड़ी रह गई, बस बाकी सब तो हो गया, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा रह। ओके लो जी, मैं हो गई तैयार, और इब दीपक जी का फोन आया था, बोले आज था जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि फिर भीड़ लग जाओ, और भी ज़्यादा ज़्यादा तो सारे वेट कर दे रहे हैं कि कद सी 12 बजे, और कद सी बोड़ा पर जल चढ़ा तो जाता है, और जितनी जल्दी जाओगे फिर उतनी जल्दी आओगे, सारे जने थके पड़े हैं, मतलब थकावट तो हो जाए इतनी दूर तक पैदल आना पैदल जाना। और इब मैं चला हाँ शिव जी पे जल चढ़ाने खातिर, मेरा भी आज तक व्रत है, 12 बज गए, मतलब इसके बाद मैंने कुछ नहीं खाना, मतलब शिवरात्रि का व्रत है, कुछ नहीं खाना जाता है। और आप सब ने मेरी तरफ से एक बार और हैप्पी महाशिवरात्रि, जय बोले की, खुश रहो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हंसाते रहो। और एक बार मेरा सूट देख लो, मतलब ज़्यादा हैवी सूट मना, मतलब गर्मी में पाए को नहीं जानते, तो ज़्यादा सिंपल सा ही पह रहे, ज़्यादा सिंपल भी को नहीं है, और यू कलर है न्यू, मेरा फेवरेट कलर है, मतलब रेड को नहीं मैंने पसंद, और यू नाभी सा हो नहीं है, जिस तरह चूड़ा का रंग देखो, यू चूड़ा भी आज लाई थी नया, तो इस तरह के रंग पसंद आए ना, देख लो एक बार। चलो जी चलते हैं, और आपने भी जल तो चढ़ा ही लिया होगा, क्योंकि 12 बजे चढ़ जाए जल तो, और ईब मिलेंगे मंदिर में। ओके, और क्या कर रही हैं बीनी? होली तैयार सही लग गई सूट मेरा बेटे को, कावड़ ले आया, और देख मैंने मेहंदी लाल की, चूड़ा पा रखा ना, तो अगली बात में बोलो, और देख मैंने मेहंदी लाल की, अलके छल चूड़ा पहन क्या, और बस और अब मैं जाऊंगी दूध लेके, केले लेके, बाकी रोटी तो आकर बनाऊंगी, क्योंकि गरम गरम खा देंगी, थकार खा रहे हैं। पापा जी भी कावड़ ले आए मेरे, और मेरा भाई भी कावड़ ले आया, चला फिर ए बोले बस हमारी जोड़ी नहीं बना। और हाँ आप सबने बता दूं, यू छोटा सा कावड़ ले आने आ गया था, ऐसा कावड़ ले आया था, यू 5 पता नहीं 6 साल का था, जद गया था, और जब तक ले गए तक यू कावड़ ले आया है, लागे मैंने भगवान बोला ने हमारी जोड़ी बनाई है, तो बोले बाबा हमारी जोड़ी हमें सर में बनाए रखी है, और नू तेरे दर्शन करे जावांगे। चलो ठीक है जी, मम जाओ मंदिर में, और मेरी माँ पर चाल कौन जाता, ज़्यादा मेरी माँ कौन जाती, मम दोनों दिन जाओ अभी बिच वीडियो में आ गई सर।
लमन चढ़ाओगे घर में आपका स्वागत है। अच्छा अपने घर में आपका स्वागत है। हे भगवान लो जी घर पाया बोलने बोलो सारियां बोले ले याद में हम घर पाया कावड़ लेगा कोई जल्दी रह कर आया गुरप्रीत दास दूध पियान गई थी देखो ये लगभग दोनों मिनट रहे दोनों दर दिया ना और दीपक जी आ गया है मतलब अरे यार आप अकेले तो चढ़ा नहीं सकती क्योंकि आप तो डाका ना डाक में फिर आदमी चढ़ाएगा काम करो रोटी पानी आपको ऊपर आ जाएगा ना दो रेस्ट करो जाओ कपड़े ले आओ एक मिनट पकड़ा सो गए सुनो दीपक जी ऊपर सो जाओ गर्मी हो रहा है नुए को बेरा खड़ा पड़ा हम देखे जाओ भी देखे माचर लड़न लग रहे जाओ किस तरह की पड़ी है जब लो जी इब मत्था टेक लिया है भोले बाबा पे और धोक ला दी है जल चढ़ा दिया है और आज शिवरात्रि है आज मेरा व्रत है दीपक और जी का व्रत तो खुल गया और देखो कि पर सोए पड़े हैं मैंने बस इबे इनका पैरा का मालिश करी है वो बेचारे थक रहे थे दीपक का करी पहला फिर मेरे भाई का और मेरे जोर का तीनों आज उन्हें सोए पड़े हैं मगर नीचे थोड़ी गर्म ऐसी थी जाता है मैं ऊपर सो देता हम सारे और आप सबने एक बार और दिल से हैप्पी महाशिवरात्रि जय भोले की और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब कावड़ ले आए दीपक और जी मतलब बहुत ठीक ठाक उसका ले आए सारे मैं भगवान का बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि जितने भी कावड़िए गए कोई दिल तक गया हो चाहे कोई किस्ता भी गया हो सबकी मनोकामना पूरी करिए जो जो जिसने जो कुछ भी मांगा है नहीं सब तक खुशी दिए घर में बरकत करिए कामयाबी मिलिए
सपने जिन सारे की मनोकामना पूरी करिए। बस मैं दिल याए भगवान था, बस भोले बाबा मैं याद हुआ मांगू आप था बस। और मैं इबे मतलब दर्शन करके आई हैं भोले बाबा के, बहुत अच्छा लगे जमा नुहान खुशी सी मिली। बहुत टाइम लग गया था जल चढ़ान में, आपने वीडियो में देखा है हम, क्योंकि पहला कावड़िए जाए कर फिर जो मतलब अलग अलग डाक कावड़ हो, कोई डाक कावड़ अलग हो पैदल कावड़ अलग, ज्यादा अलग अलग चढ़ा रहे थे सारे जल तो ज्यादा। तो मैंने भी गल चढ़ा दिया, मुझे ठीक है बात तो रही है। और जब ब्लॉग बढ़िया लग गया तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दियो कि आप भी बताइए आपके वहाँ कावड़िए आए मतलब शिवरात्रि कैसी मनी। मेरी तो आपने वीडियो में देख ली है, थैंक यू वेलकम। और हाँ एक बार और चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर दियो ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।